गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले 15 डेज आपकी क्लासेस बंद रही, बट अब वो क्लासेस फिर से रिज्यूम हो चुकी हैं और अब हम सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लगे। जैसे आपने मुझे पहले सपोर्ट दिया है वैसे ही सपोर्ट देते रहिए, और चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द अपडेटेड सेशंस जो अब आपके चलेंगे। मैंने थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज किया है जस्ट बिकॉज कि अभी आपके आने वाले कुछ दो पेपर्स हैं जो मुझे मिला था, बच्चों से रिक्वेस्ट मिली थी कि मैम पेपर्स आ रहे हैं और आप सेशंस कब से ले रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजी थी और एक दिन दो दिन मुझे इस सेटअप पे भी लगे हैं, तो जिसकी वजह से आपकी क्लासेस थोड़ी सी मिस हुई हैं। थोड़ी नहीं कहूँगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब दो दिन मैं इस काम पे लगी हुई थी। तो अब जो है आपके सेशंस शुरू हो चुके हैं। ट्राई मैंने अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके दो कोर्सेज हैं, एक हिमाचल जी के और एक JOIT। अभी मैंने सिर्फ JOAIT फोकस किया है और एक किया है हिमाचल जी के। देखिए आपकी शिकायत ये रहेगी कि मैम डिटेल्स पे, तो जरा सा JOIT और थोड़ा सा रिदम में आ जाते हैं तब हम शुरू करेंगे आपकी डिटेल्स। तो मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस को उठाया गया है। टाइमिंग्स जो हैं आपके वो मैं लास्ट में बता दूंगी कि आपका टाइम क्या है। देखिए हिमाचल जी के का टाइम 7 से 8 ही रहेगा और जो आपका JOIT का कोर्स है वो है आपका 4 बजे। अभी थोड़े टाइम के लिए रिकॉर्डेड है बट इट्स नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए ही हम रिकॉर्डेड सेशंस पे हैं। अगर आपका सपोर्ट और जितनी जल्दी आप शेयर करोगे, जितना आप व्यूअर्स देखोगे, हम बहुत जल्दी हो सकता है इस JOIT के नेक्स्ट सेशंस को, मैं भी यही चाह रही हूँ कि JOIT के जो इस हफ्ते के सेशन से अगले हफ्ते अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम बहुत जल्दी लाइव आ सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द शेयरिंग, डिपेंड्स अपॉन द व्यूअर्स कि आप कितना वीडियोस को शेयर करते हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो और आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत एक तरह से मोटिवेशन का काम करता आया है और हमेशा करता रहेगा। तो वैसे ही आप मेरे सेशंस को लाइक करते रहें। कोई भी डाउट लगता है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, क्योंकि अब एक्टिवेटेड वर्जन्स आ चुके हैं कि फिर से इस क्लासेस को रिज्यूम कर लिया गया है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम इस तरह से लगेगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम बहुत जल्दी लाइक तो आ ही जा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आपको इस सेटअप पे कोई दिक्कत आ रही है तब भी बताना। धीरे धीरे मैं अपने अपने सेटअप्स को एक अच्छे लेवल पे लेकर आऊँगी। पहले आपने मुझे किसी और वे से देखा था, अब कुछ और है। अपने अपने लेवल्स को बढ़ा रही हूँ, कोशिश पूरी करूँगी और एक दिन अच्छे से और इससे अच्छा भी लाने की कोशिश जरूर है, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं विद द बैंग। और आज का सेशन है आपका हिमाचल जी के। तो हिमाचल जी के सेशन में हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस क्या हैं, अगर आपको पेन में दिक्कत आ रही है, अगर वॉइस में दिक्कत है, अगर स्क्रीन में दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रही हूँ ऐसी क्लास तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, तो बता देना, मैं उस चीज़ को रिज्यूम करूँगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि इन सेशंस को नेक्स्ट वीक से हम लाइव पे ले सकें। जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम आप जितना शेयर करोगे उतना आपका मतलब उतनी जल्दी हम लाइव आएंगे और मैं अब लाइव की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती, इसीलिए ये चीज़ें तैयार कर रही हूँ कि बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, कम टाइम, और फिर उसके साथ हम आपके साथ नई खुशी को शेयर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉक टेस्ट है और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलाइड पब्लिक सर्विस कमीशन, आने वाला एक पेपर और आ रहा है नायब तहसीलदार, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, JOA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका पुलिस स्टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस स्टैट, फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट निकल गया, उम्मीद करती हूँ कि कई कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। तो पहला क्वेश्चन हम आपके आगे देखते हैं, व्हेन डिड सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री इन राजबन ऑफ सिरमौर वाज एस्टेब्लिश्ड, कि पहली सीसीआई सिरमौर में, जो पहली सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी, वो सिरमौर में ही बनी थी। तो सिरमौर में जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो कब बनी और किस ईयर में बनी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1952, आई थिंक 1945, 1980 एंड 1971। तो चलिए ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेनेशन है, तो उम्मीद करती हूँ कि देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले है, व्हेन डिड सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री इन राजबन ऑफ सिरमौर वाज एस्टेब्लिश्ड, तो पहला इसका सही आंसर क्या है। देखिए 1952 में क्या हुआ था, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो 1952 में सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस, हिमाचल के पहले इलेक्शंस जो थे, यानी आपके एचपी लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जो थे वो कब हुए थे, 1952 में। ये 1952 में हुए थे और पहले सीएम कौन बने थे, हमारे डॉक्टर YS परमार। तो आपकी 1952 ऑप्शन गलत है, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है 1945। तो 1945 में क्या आया था, तो 1945 में आपका क्या बना था। तो 1945 में आपकी, देखिए अगर राजबन सिरमौर की बात कर लें, तो अभी आपको ये डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स में है, कईयों के डाउट्स हैं, मैंने आपको बोला आप लाइव सेशंस में वो डिटेल्स भी, पर जस्ट बिकॉज कि अभी पेपर आ रहा है तो मॉक टेस्ट लेना ज़्यादा कंपल्शन लगा मुझे। 1945 में अगर देखा जाए, देखिए सिरमौर में 1893 में सिरमौर का नाहन बैंक बना था, ठीक है। 1945 में उसको सिरमौर के लिए कोऑपरेटिव बैंक में जो है उसको इंस्टीगेट कर दिया गया था। 1971 में आपका हाई कोर्ट बना, आपका स्टेटहुड बना। तो ये सारे ऑप्शंस आपके गलत, राइट। आंसर इज 1980। आंसर क्या है इसका, 1980। तो 1980 में आपका क्या बना था, सिरमौर सीमेंट फैक्ट्री जो कि राजबन में। एक और बता दूं मैं, बिलासपुर में जो है, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर बरमाना में जो है आपकी, वो कब बनी थी, वो बनी 1984 में। और 1995 में सोलन की दारला घाट सीमेंट फैक्ट्री बनी थी बरमाना, ठीक है, बरमाना बनी 1984 में, आपकी बरमाना में बनी है बिलासपुर सीमेंट फैक्ट्री, और 1995 में आपकी सोलन में बनी है। तो ये याद रखना, 19 आपका 1944 में, अगर हम इसकी बात करें तो 1944 में ये बना बैंक ऑफ सिरमौर। क्या बना ये, बैंक ऑफ सिरमौर, ठीक है, बैंक ऑफ सिरमौर। और 1955 में इसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में दे दिया गया था, मेक इट करेक्ट। और ये जो बैंक था ये किसके टाइम पे बना था, शमशेर प्रकाश के टाइम पे। तो इस फर्स्ट आंसर इज 1980। तो इसके साथ आपको 1984 एंड 1995 भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच किंग ऑफ सिरमौर वाज अपॉइंटेड टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1902। 1902 में कौन सा ऐसा राजा था सिरमौर का जिसको शाही विधान परिषद में नियुक्त किया गया था, मतलब ऐसा कौन सा राजा था जिसको शाही विधान परिषद में नियुक्त किया गया था। तो पहला है अमर प्रकाश, शमशेर प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश या राजेंद्र प्रकाश। तो हम सिरमौर की बात करें, सिरमौर को पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ सिरमौर। तो सिरमौर के फाउंडर कौन है, आपके राजा रसालू। लेकिन राजबन फैक्ट्री या राजबन कैपिटल किसने बनाई थी, शुभांश प्रकाश ने बनाई थी। अब क्वेश्चन आता है कि सिरमौर में ऐसे कौन से राजा हैं जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का खिताब दिया गया है। पहले मैं डी ऑप्शन से चलती हूँ, तो राजेंद्र प्रकाश तो लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर, ठीक है, ये तो है ही नहीं। राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे क्या हुआ था, सिरमौर प्रजा मंडल, राइट, सिरमौर प्रजामंडल इनके टाइम पे बना था, तो ये नहीं थे। शमशेर प्रकाश जो थे इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जिसने कितने साल राज किया है, 46 ईयर्स,
ठीक है। और शमशेर प्रकाश के टाइम पे काफी जिसको बोल सकते हैं काफी डेवलपमेंट्स हुई थी सिरमौर में, जैसे नाहन फाउंड्री बनी। नाहन फाउंड्री है क्या? ये आयरन इंडस्ट्री है, ठीक है। नाहन फाउंड्री, रानीताल बाग, लॉर्ड लेटन इनके टाइम पे आया, लेटन मेमोरियल इनके टाइम पे बना, ठीक है। फिर नाहन बैंक इनके टाइम पे बना। तो शमशेर प्रकाश भी नहीं है, अमर प्रकाश। अमर प्रकाश के टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है? महिमा लाइब्रेरी, जो कि कहाँ है? नाहन में है। तो अमर प्रकाश ने नाहन लाइब्रेरी बनाई। पहला काला आम पक्का रोड या काला आम रोड किसने बनाया था, किसके टाइम पे बना था? अमर प्रकाश के टाइम पे। इनको नाइटहुड की उपाधि और महाराजा की उपाधि भी मिली थी, यानी KCSI उपाधि। तो ये नहीं है, आंसर इज सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। सुरेंद्र विक्रम प्रकाश को मिला है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब? 1902। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है और फिर से आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन जरूर पसंद आए, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ कोटी? कोटी जगह या कोटी रियासत के संस्थापक कौन थे? ताराचंद, हीरा चंद, हरिचंद, दुर्गा चंद या फिर आपका चंद्रा, ठीक है। तो देखिए, दुर्गा चंद जो थे ये तो दार कोटी के थे। ये कहाँ के थे? दार कोटी के, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट हरिचंद, हरिचंद को ब्रिटिश से, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था तो इसको राणा की उपाधि मिली थी। ये कोटी रियासत के ही थे। ताराचंद ने क्यार कोटी जो थी कैपिटल बनाई थी कोटी की, ठीक है। तो ताराचंद नहीं है, आंसर इज चंद्रा। चंद्रा जो थे वो कोटी के क्या हैं? संस्थापक। कोटी के संस्थापक कौन थे? चंद्रा, राइट। तो आपके पास ऑप्शन क्या आई? बी। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। शिमला वाज अ समर कैपिटल अप टिल, शिमला कब तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन कैपिटल रही है? मतलब शिमला जो थी वो हिमाचल यानी पंजाब की कब तक कैपिटल रही? 1953, 55, 72 या 74? चलिए, 74 में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी? सबसे पहले तो HRTC, ठीक है। एक और चीज इसमें, शिमला में क्या बना है? स्टेट म्यूजियम। कहाँ पे है स्टेट म्यूजियम? ये इनर विरम हिल पे है। इनर विरम हिल, इस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? इनर विरम, ठीक है। हिप्पा जो कि क्या है आपका? हिप्पा क्या है? इट्स द ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे HAS कैंडिडेट्स या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैंडिडेट्स हैं उनको क्या की जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। इसको हम कहाँ बोलते हैं? फेयरलॉन। ये भी तब बना था, ठीक है। फेयरलॉन, 1 मिनट, फेयरलॉन। इस बिल्डिंग को बनाने वाले कौन थे? डिक्सन, राइट, ठीक है। देन उसके आज जो हिप्पा में जो एडमिन जो देख रहे हैं मिस्टर विवेक भाटिया, जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। देन उसके बाद आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हिमाचल का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आपका कब बना है? 1974 में। 1972 में शिमला एग्रीमेंट, राइट। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ है? 1972 में। किसके बीच हुआ था 1972 में? किसके बीच हुआ था? आपके इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान के। कहाँ पे? बानीस कोट पे। तो यहाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1955, यहाँ पे आकाशवाणी शिमला बनी। आकाशवाणी शिमला कब बना था? 1955 में। तो ये नहीं है, आंसर इज 1953। शिमला जो है समर कैपिटल कब तक रही है आपकी? 1953। देखिए, पंजाब का हेडक्वार्टर भी रहा था ये 1947 तक, राइट। तो ये भी याद रखना, शिमला जो है इंडिया की कैपिटल 1864 से 1947 तक रही है। देन उसके बाद ये जो है आपका पंजाब का हेडक्वार्टर भी रहा है 1947 तक। उसके बाद ये समर कैपिटल पंजाब की कब तक बनी है? 1953।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज द सिल्वर अवेलेबल एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे चांदी पाया जाता है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? तो ऑप्शन आपके सामने किन्नौर, शिमला, कुल्लू या सिरमौर। तो शिमला, कुल्लू, मैं ऑप्शंस देख लेती हूँ, किन्नौर, शिमला, कुल्लू या सिरमौर। तो क्या है आपके पास ऑप्शंस? तो देखिए इसमें जो है आपका सिरमौर, सिरमौर नहीं है। सिरमौर में मैंने आपको बताया, देखिए राजगढ़ को पीच वैली कहा जाता है, राजगढ़ को पीच वैली, ठीक है। राजबन में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है, तो ये नहीं है। सिरमौर सेकेंड है जिंजर प्रोडक्शन में, ठीक है, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में। केरला फर्स्ट है, सिरमौर सेकेंड है, तो ये नहीं है। कुल्लू, कुल्लू में मिनरल ऑयल मिलता है, कलथ में, कलथ एक जगह है जहाँ पे आपको मिनरल ऑयल मिलता है, तो ये नहीं है। शिमला, तारा देवी हिल्स, जो तारा देवी हिल है जहाँ पे तारा देवी मंदिर भी है, वहां पे आपको पाइराइट सबसे ज्यादा मिलता है, पाइराइट्स, तो ये भी नहीं है। आंसर इज किन्नौर, किन्नौर की चरागाह एक जगह है, चरागाह, यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर, ठीक है। सोलन में भी मिलता है बट किन्नौर में मिलता है। तो आंसर इज सिल्वर कहाँ पे अवेलेबल है आपके, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ तक ऑप्शंस क्लियर है, किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना या कमेंट सेक्शन पे लिख देना। हो सकता है कि आज आपको कैसा लग रहा है ये भी बता देना कि सेशंस कैसे लग रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पे, द प्लेस फॉर द धूप इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट। धूप इंडस्ट्री जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे लोकेटेड है? हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी या सोलन। सोलन में सबसे ओल्डेस्ट मोहन म्यूकिन ब्यूरी, मोहन म्यूकिन ब्यूरी, मीकन ब्यूरी कहाँ पे है आपकी? सोलन में। सोलन इज फेमस फॉर इंडस्ट्री है, मशरूम सिटी, रेड वैली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है सोलन में। आप क्या कह सकते हो इंडस्ट्रियल है तो बद्दी, बरोटी वाला, परवानू, ऐसे इंडस्ट्रियल। बद्दी में आपको फार्मास्यूटिकल्स मिल सकते हैं, परवानू में आपको HPMC है, बरोटी वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये सारे सोलन में मिलते हैं। मंडी, मंडी में आपको क्या है? आई आई टी कमांड, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो गन फैक्ट्री, गन फैक्ट्री जो है यहाँ पे है, सोलन में भी है और यहाँ पे भी है गन फैक्ट्री। बिलासपुरा, बिलासपुरा में बिरोजा फैक्ट्री है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, बिरोजा फैक्ट्री आपको दो जगह पे मिलेंगी, एक सिरमौर में भी मिलेगा और एक बिलासपुर में मिलेगा। बिलासपुर की जो आपको कहते हैं रघुनाथपुरा जगह है, किसी ने मेरे को कमेंट पे भी लिखा था कि मैम बिरोजा तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। बिरोजा फैक्ट्री दोनों जगह है, बिलासपुर में भी है और सिरमौर में भी है, तो ये नहीं है। आंसर इज हमीरपुर, हमीरपुर में मिलता है सबसे ज्यादा धूप इंडस्ट्रीज, जैसे शिवालिक और भी धूप है, जैसे देवी दर्शन भी है, पर शिवालिक धूप जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है? वो हमें हमीरपुर में मिलता है। और हमीरपुर को बनाने वाले कौन थे? हमीरचंद। हमीरपुर इज फेमस फॉर व्हाट? क्योंकि कई क्वेश्चंस आए हैं तो हमीरपुर के लिए क्या क्या फेमस है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको हमीरपुर के लिए क्या फेमस है, देखिए सबसे बड़ी लिटरेसी हमीरपुर में है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, स्मॉलेस्ट एरिया किसका है? हमीरपुर का है, ठीक है। तो हमीरपुर को इस वजह से भी याद किया जा सकता है। NIT यहाँ पे है, हमीरचंद ने बनाया था, महल मोरियों की लड़ाई यहाँ पे हुई थी, यशपाल जो है यहाँ से रिलेटेड है। तो हमीरपुर से कई ऐसे क्वेश्चंस पेपर में मैंने अभी रिसेंटली देखे थे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आपके, द फेमस धौम्या ऋषि टेम्पल इज लोकेटेड एट। धौम्या ऋषि टेम्पल कहाँ पे है? इसको हम धुमेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो धौम्या ऋषि टेम्पल थे ये किसके थे? धौम्या ऋषि थे कौन? धौम्या ऋषि जो थे ये पांडव्स के गुरु थे, ठीक है। तो धौम्या ऋषि टेम्पल को धौम्या धुमेश्वर भी कहते हैं। ये जो टेम्पल है कहा जाता है कि शिवजी को खुश हुए थे, शिवजी की प्रेयर की थी और शिवजी खुश हुए थे, तो बोला जाता है कि अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करनी है तो इस जगह पे जो भी प्रेयर मांगोगे पूरी होती है। तो ये कहाँ पे है? बिलासपुर, ऊना, शिमला या मनाली? देखिए मनाली मनु टेम्पल, राइट,
मनाली में अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है, मनाली इज फेमस फॉर मनु टेम्पल। मनाली की मेन डाइटी कौन है? हिडिम्बा देवी, जो कि किसकी वाइफ थी? भीम की वाइफ थी। और डुंगरी फेस्टिवल यहाँ पे लगता है, राइट? तो ये नहीं है शिमला। शिमला में क्या क्या है? देखिए, शिमला इज द कैपिटल, इज द हब ऑफ हिमाचल, कैपिटल है। तो शिमला में क्या क्या चीज़ें मिलती है? IIS इंस्टीट्यूट, जो भी कैंडिडेट्स रिसर्च कर रहे हैं वो IIS में एक बार जरूर जाएं और वहाँ की प्रॉपर स्टडी करके आएँ। पीटर हॉफ यहाँ पे है। शिमला में अगर हम बात करें तो कौन कौन से, सबसे हाईएस्ट हिल कौन सी है? जाखू, जहाँ पे जाखू टेम्पल है, और फिर संकट मोचन टेम्पल है, जो कि नीम करोड़ी मल ने बनाया था 1926 में। आपका हाटू पीक है, देन उसके बाद आप इसमें बात कर सकते हो, तारा देवी मंदिर है, आपका कामना देवी टेम्पल जो कि प्रॉस्पेक्ट हिल में है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? शिमला में। तो शिमला में जो कामना देवी टेम्पल है वो कहाँ पे है? आपका प्रॉस्पेक्ट हिल में, ठीक है? प्रॉस्पेक्ट हिल। शिमला जो है वो 7 हिल्स में है, ठीक है? जाखू हिल सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान स्टैचू भी दिखता है। तारा देवी हिल है, तारा देवी मंदिर वहाँ पे है, कामना देवी, संकट मोचन है आपका, देन श्यामला देवी, आपका कालीबाड़ी मंदिर है। तो ये सारे जो हैं वो शिमला में है। बिलासपुर में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज़ तो नैना देवी टेम्पल, ठीक है? नैना देवी टेम्पल बिलासपुर में है। देन उसके बाद आप बोल सकते हो कि बिलासपुर में फिर आपके पास आंसर क्या आया? ऊना। आपके पास ऑप्शन क्या बची? ऊना। तो बिलासपुर में कौन कौन से टेम्पल्स हैं? तो मैं एक टेम्पल का नाम जरूर बताऊंगी आपको कि जो नया टेम्पल है, एक टेम्पल है इसका देव भाटी टेम्पल, ठीक है? ये एक टेम्पल है यहाँ पे देव भाटी टेम्पल, जो कि आपकी ब्रह्मपुखर में, ब्रह्मपुखर। जब हम जाते हैं ना बिलासपुर, ब्रह्मपुखर जगह आती है वहाँ पे है, और इसको बनाया है दीपचंद ने। ये टेम्पल्स याद कर लीजिए, क्योंकि ये टेम्पल्स कई बार बुक्स में नहीं लिखे गए हैं, तो इन टेम्पल्स को याद कर लीजिए। एक टेम्पल और है यहाँ पे, नैना देवी बीरचंद ने बनाया था, और एक है आपका गोपाल जी टेम्पल, गोपाल जी, जो कि आपका अनंत चंद ने बनाया था, अनंत चंद, ठीक है? अनंत चंद ने बनाया था। तो ये दो टेम्पल्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो आपका जो है ये धौम्या ऋषि टेम्पल, ये कहाँ पे है? आपका ऊना में, ठीक है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं शिव जी की, इन्होंने आराधना की थी, जिसकी वजह से इनको ब्लेस्ड किया गया, और जो भी अपनी मनोकामना यहाँ पे मांगता है वो पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट शिमला HPCA has built a large stadium। देखिए, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने रिसेंटली कई एक सबसे बड़ा स्टेडियम 2003 में कहाँ पे बनाया था? धर्मशाला में बनाया था। लेकिन शिमला में कहाँ पे बना है? शिमला में कहाँ पे है? चैल, गुम्मा, धली, या फिर आपका टूटीकंडी? टूटीकंडी में तो बर्ड नेशनल पार्क है, तो ये नहीं है। बर्ड पार्क है तो ये नहीं है। ढली 1851 में मेजर ब्रिग्स ने ढली टनल बनाई थी, जहाँ जिसकी वजह से लॉर्ड किचनर की डेथ हुई थी। चैल, महाराजा पटियाला की, भूपेंद्र जो महाराजा भूपेंद्र थे उनकी कैपिटल क्या थी? चैल। और भूपेंद्र कहाँ के महाराजा थे? पटियाला के। तो चैल कैपिटल उन्होंने बनाई, और चैल में आपका मिलिट्री स्कूल भी है, ठीक है? तो ये नहीं है। आंसर इज गुम्मा। जो आपका लास्ट स्टेडियम है, देखिए आपने गुम्मा नाम सुना होगा, गुम्मा एंड दरंग रॉक सॉल्ट माइंस है, जो कि मंडी में है। शिमला में एक गुम्मा जगह है जहाँ पे आपका HPCA का लास्ट स्टेडियम है। अगर आपको स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर हो सकता है फर्स्ट टाइम क्लास ले रही हूँ, तो शायद स्टैंडिंग में, या हो सकता है कि आपको स्क्रीन में जो भी दिक्कत आएगी, आप मुझे प्लीज़ कन्वे करना, ताकि उस चीज़ को मैं फटाफट रिकवर कर सकूँ, ठीक है? नेक्स्ट आता है, एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज सेट अप अ सर्किट बेंच। पहली चीज, HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण के किस स्थान पर एक सर्किट बेंच स्थापित किया गया था? तो पहली चीज, HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप कब किया गया?
तो ये एक्ट कौन सा था 1985 और बना कब था 1986 में, ठीक है 1986 में बना, जिसमें हीरा सिंह ठाकुर H.S. ठाकुर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन राइट। तो पहली चीज यहाँ पे ये बात आती है कि एट विच प्लेस, आपको पता है कि हीरा ये 1988 के बाद ये बंद कर दिया गया था, उसके बाद 2016 में इसको फिर से, यानी 2015 और 16 के बीच में इसको फिर से रिनोवेट किया गया। तो वो उस टाइम पे सर्किट बेंच कहाँ पे लगा, देखिए तब जब खोला गया था है कहाँ पे ये ट्रिब्यूनल, दैट इज शिमला, किस इस हाउस को क्या बोला, ये किस हाउस में था, किस जगह पे था, मजीठा हाउस, कहाँ पे था ये मजीठा हाउस, तो ये नहीं है हमीरपुर NIT राइट, इसको छोड़ दीजिए, सोलन शूलिनी के नाम से जाना जाता है, माउंट कैरोल हाईएस्ट पीक है, सोलन में है क्या, शूलिनी यूनिवर्सिटी है जो कि 1985 में बनी थी, ठीक है। अब बात आती है कि धर्मशाला, सर्किट बेंच कहाँ पे लगा, धर्मशाला में लगा था और मंडी में, दो जगह पे खोला गया था 2016 में, ठीक है 2016 में खोला गया था, कहाँ पे धर्मशाला में। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है द स्टेट लेवल वुमेन्स स्पोर्ट्स मीट 2015 वाज हेल्ड एट, राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मंडी, हमीरपुर, ऊना या धर्मशाला। तो पहली चीज है राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता 2015 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये क्वेश्चन क्या है, धर्मशाला, ऊना या हमीरपुर या मंडी 2015। देखिए पहली चीज है कि मैम 2015, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस HS और अब जो आपका एलाइट भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट जैन तक निकल जाएगा, और एक नायब तहसीलदार का पेपर भी मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी थी वो भी है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस 2015 के पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, तो ये आपको पिछला लिटरेचर भी पता होना चाहिए। तो पहली चीज है राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता 2015 का आयोजन कहाँ किया गया, आपका धर्मशाला, धर्मशाला में देखिए एक तो आपका इंटरनेशनल स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, एक है जोरावर स्टेडियम, कौन सा है जोरावर राइट, तो ये नहीं है, ऊना, ऊना में नहीं है, ऊना का स्टेडियम मैं आपको बता देती हूँ एक सेकेंड, ऊना का स्टेडियम कौन सा है, ऊना का स्टेडियम है आपका ऊना का स्टेडियम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राइट, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये नहीं है, हमीरपुर का है नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र ठीक है, और आंसर इज मंडी, मंडी के कहां पड्डल ग्राउंड, कहाँ हुआ था पड्डल ग्राउंड में हुआ था, ठीक है तो ये याद रखना मंडी के पड्डल ग्राउंड में, और इसको बोल सकते हैं आप ये याद रखना आपके पड्डल ग्राउंड में हुआ था। तो पहली चीज ये याद रखना कि वुमेन फेस्टिवल या वुमेन स्पोर्ट्स मीट 2015 कहाँ पे हुई थी, मंडी के पड्डल ग्राउंड में। पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज बींग सेटअप, अभी हाल ही में हिमाचल में खजियार जगह पे मोनाल पैराग्लाइडिंग की गई है, ठीक है तो सेम थिंग, वैसे पैराग्लाइडिंग का मेन होस्ट या सबसे बेस्ट जगह किसको बोलिए, जहाँ पे एरो स्पोर्ट्स हॉस्टल भी है वो कहाँ पे है, मैक्लॉडगंज नहीं, मैक्लॉडगंज में है टिप्टियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसको आप टिप्पा के नाम से जान सकते हो, ठीक है तो ये नहीं है, बिर मनाली, अटल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है राइट, ये नहीं है, नालदेहरा में लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, लॉर्ड कर्जन ने जब आपका बनाया तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे कौन थे आपके नाइन, अपनी बेटी के नाइन नाम से बनाया था नाइन गोल्फ कोर्स, तो ये नहीं है, आंसर इज बिर बिलिंग, आंसर क्या है आपका बिर बिलिंग।
जहाँ पे पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि खजियार में हुआ है मोनाल एरोस्पोर्ट्स मीट हुई है अभी पीछे, तो उससे भी आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आप सेशंस को देखिए, मैं आने वाले टाइम पे नया क्या है वो भी आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक रोपवे इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, पहली ऑटोमेटिक रोपवे कहाँ बनी थी? मंडी, किन्नौर, शिमला या कांगड़ा? तो पहली चीज है कांगड़ा में तो नहीं है, ठीक है, आप इसको शिमला में, किन्नौर या मंडी। मंडी में आप बोल सकते हो पुंडरीक ऋषि टेम्पल के पास है ये, तो ये नहीं है, राइट। किलाड़ में भी बन रही है, कांगड़ा में भी बन रही है, कांगड़ा में भी रॉप वे बन रहा है, तो शिमला। ये जो पहला ऑटोमेटिक था ये कहाँ पे था? शिमला में, ठीक है, झाखू हिल पे बनाया था। किसने इनॉग्रेट किया था? लेट श्री राजा वीरभद्र सिंह ने किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम मिसहैप इस रोपवे को बंद कर दिया गया। पर पहला फुली ऑटोमेटिक कहाँ पे किया गया? शिमला। किसी को भी डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं आपका क्लियर कर दूंगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सेशंस जो हैं वो पसंद आए और सेशन अच्छा लग रहा हो, और अगर कोई गलती होती है तो मैं माफी चाहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीलकंठ लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नीलकंठ लेक, नीलकंठ किससे डेडिकेटेड है? नीलकंठ है शिव जी से रिलेटेड, ठीक है। तो नीलकंठ लेक जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या शिमला? शिमला में कौन सी है? तनुजुबल, ठीक है, चंद्रनाहा लेक जहां से कौन सी नदी निकलती है? पब्बर, ठीक है। चंबा में घड़ासरू लेक, देखिए शिमला में तो आपको मैं वैसे ही बता रही हूँ तनुजुबल है, घड़कुप्पर है, और आपकी कौन सी मैंने बताई? चंद्रनाहा, जिससे पब्बर नदी निकलती है जो टॉन्स के साथ चकार्ता में मिलती है। चंबा में कौन सी है? घड़ासरू लेक, महाकाली लेक, ग्रुप ऑफ सेवन लेक्स इज लामा लेक। एंड लाहौल स्पीति में कौन सी है आपकी? लाहौल स्पीति में आपने दो पढ़ी है, सूरज ताल लेक जो कि सबसे हाईएस्ट लेक है हिमाचल की, ठीक है, थर्ड इन इंडिया, 21st इन वर्ल्ड। और सूरज लेक ऑफ सन, चंद्रताल लेक ऑफ मून जिसको लोहित सरोवर भी कहते हैं, किसने बोला था? ह्यूनसांग ने बोला था। और अगर देखा जाए तो ये लोहित सरोवर तो लाहौल स्पीति नहीं है, ठीक है, लाहौल स्पीति या किन्नौर। किन्नौर को प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग यानी नाको लेक कहाँ पे है? हैंगरैंग वैली में। और हैंगरैंग वैली किसने किसको गिफ्ट की थी? तिप्तियंस ने राजा केहरी सिंह को गिफ्ट की थी, तो ये। और हैंगरैंग वैली की कैपिटल क्या है? लियो, ठीक है। अगर लिखना है देखिए किन्नौर, नाको लेक और सोरांग लेक है, ठीक है। नाको लेक कहाँ पे है? हैंगरैंग वैली की कैपिटल क्या है? लियो, राइट। और किसने किसको कैपिटल दी थी? आपके राजा केहरी सिंह ने को दी गई थी ये गिफ्टेड। अब चंबा में है आपके महाकाली लेक, एमएल, घड़ासरू लेक, लामा लेक, राइट। शिमला में चंद्रनाहर, घड़कुप्पर, तो आंसर इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है आपकी नीलकंठ। कहा जाता है ये जो नीलकंठ है दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू शिव। और ये किसकी जगह, कौन सी ऐसी जगह? थिरोट, जब हम थिरोट को जाते हैं उस जगह पे ये पड़ती है। और कहा जाता है कि शिव जी, यहाँ पे शिव जी के लिए प्रेयर्स की गई हैं और वरदान दिया गया है कि जिनके बेटा नहीं होता वो इस जगह पे जो है पूजा कर सकते हैं, लेकिन वुमेन्स आर प्रोहिबिटेड, स्त्रियों को या फीमेल्स को इस जगह पे जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ मेल्स जाएंगे, वो प्रे करेंगे और उनकी विश को पूरा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लाहौल स्पीति। नेक्स्ट आता है हु सेट अप उरुस्वती इंस्टीट्यूट एट नगर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? सबसे पहली चीज, कुल्लू को बनाने वाले थे बिहिंगमिंग पाल। कुल्लू को बनाने वाले कौन थे? बिहिंगमिंग पाल। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को बनाने वाले थे बिहिंगमिंग पाल, तो उरुस्वती एट नगर। आपके पास ऑप्शंस है विशुद्ध पाल, एलसी प्रार्थी, शोभा सिंह या निकोलस।
तो विशुद्ध पाल ने जो है ये कैपिटल जगत सुख से नग्गर किसने कैपिटल की थी? विशुद्ध पाल ने, ठीक है, नग्गर कैपिटल किसने की थी? विशुद्ध पाल ने, तो ये ऑप्शन गलत। एलसी प्रार्थी जिसने कुलवत देश की कहानी लिखी, कुलवत देश की कहानी किसने लिखी है? एलसी प्रार्थी ने, तो ये कैंसिल। और फर्स्ट एमएलए कुल्लू से किसने रिप्रेजेंट किया था? एलसी प्रार्थी, शोभा सिंह। शोभा सिंह तो अंद्रेटा पे है भाई, तो ये तो है, ये तो बनता ही नहीं है, नगर अंद्रेटा से है तो ये तो है ही नहीं। और शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? अंद्रेटा में है, और इन्होंने कितनी सोनी महिवाल की पेंटिंग्स बहुत बनाई है, ठीक है, तो ये नहीं है। तो आंसर इज निकोलस रोरिक, जिसको क्या कहा जाता है? महर्षि, ठीक है। देवी का रानी इनकी वाइफ थी, रशिया से आए थे, यहीं पे सेटल हो गए। इन्हीं की आर्ट गैलरी में कौन आया था? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी आए हैं। तो निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी को क्या जो था, निकोलस रोरिक जिनको महर्षि भी बोला जाता है, उसने उरुस्वती इंस्टीट्यूट जो नग्गर में है कुल्लू में उसको बनाया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट प्रेरणा एंड प्रयास प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने प्रेरणा और प्रयास प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस्ड किया है? ऑप्शंस आपके, शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रेरणा और प्रयास कार्यक्रम शुरू किया गया था, कहाँ किया गया था? 2016 में कांगड़ा एंड हमीरपुर, हमीरपुर बिलासपुर, शिमला सोलन, शिमला बिलासपुर एंड, पहली चीज प्रेरणा इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्रयास इज फॉर हायर एजुकेशन, 6 to 8, ठीक है। अपलिफ्टमेंट प्रयास जो है वो हायर एजुकेशन के लिए थी, और प्रेरणा जो थी जो किंडरगार्टन बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन में एक इम्प्लीमेंट की गई थी। ये जो प्रोग्राम था ये किस कब चला था? 2016 में। किसने चलाया था? वीरभद्र सिंह ने ही चलाया था। बट ये किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इनिशिएट किया गया? ये किया गया हमीरपुर और बिलासपुर। ये कहाँ पे किया गया? हमीरपुर एंड बिलासपुर। यहाँ तक किस किस को भी क्लियर है? जल्दी बताइए यहाँ पे, यहाँ तक किस किस चीज़ को क्लियर हो चुका है और कैसा लग रहा है आपको सेशन? और अगर कोई गलती आती है तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी, और प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब आप पे है भाई, आप कितनी जल्दी इतनी सेशंस को लाइव देखना चाहते हो। कांगड़ा आशा, कांगड़ा ज्वाला आर नोन फॉर व्हाट वेराइटीज? कांगड़ा आशा एंड कांगड़ा ज्वाला जो है ये किन वेराइटीज का नाम है? वेराइटीज ऑफ मेज, मेज सबसे ज्यादा जो है कहा जाता है। कांगड़ा और मंडी जो है ये गेहूं और मक्की के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, लेकिन मेज के वेराइटीज, मक्की की वेराइटी, मक्का है क्या? खरीफ सीजन है, और अभी क्या चल रहा है? रबी सीजन। तो जो मेज है उसमें कौन कौन सी हाई यील्डिंग वेराइटीज है? ज़्यादातर हम सोनालिका लेते हैं, ठीक है। टी वेराइटी, वेराइटीज ऑफ टोमेटो, टोमेटो कहाँ पे होते हैं? रेड वैली कहा जाता है। और स्प्रून कहाँ पे है? टोमेटो किसके लिए फेमस है? स्प्रून वैली। स्प्रून वैली कहाँ पे है? सोलन में है। और सोलन को क्या बोला जाता है? रेड वैली, ठीक है। तो ये जो आपके टोमेटो है इसकी जो वेराइटी है दैट इज कॉल्ड सोलन गोला, राइट तो ये तो है ही नहीं। वेराइटी ऑफ मेज मैंने आपको बता दिया सोनालिका। वेराइटी ऑफ पियर तो ये भी नहीं है, तो आंसर इज आपका टी वेराइटी। आंसर क्या है आपका? टी वेराइटीज है। कांगड़ा आशा, जैसे बागेश्वरी भी कांगड़ा टी है, ठीक है, वैसे ही कांगड़ा आशा और ज्वाला भी टीज की मतलब चाय की वेराइटी है। और आपको पता है 1852 में जेम्सन ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, और जेम्सन ने कौन सी टी शुरू की थी? आपकी ग्रीन टी। देखिए इसको लंदन में, लंदन पार्क में भी जो है कहा जाता है, इसको एसोसिएट किया गया था, इसका एग्जीबिशन किया गया था, लेकिन 1852 जेम्सन में जो है, जेम्सन ने जो है ग्रीन टी की जो है पब्लिसिटी, कांगड़ा टी इज वेरी फेमस, तो टी जो है उसकी फेमस की गई थी। तो आपका आंसर क्या है? टी वेराइटी, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी पीच वैली, पीच वैली है आपकी राजगढ़, राजगढ़ जो है दैट इज फेमस फॉर पीच वैली, पियर वैली नहीं, पीच वैली। नेक्स्ट आता है सिरमौर फोक म्यूजियम लोकेटेड एट, सिरमौर का जो फोक म्यूजियम लोक संग्रहालय,
एकमात्र सुकेती फॉसिल पार्क भी कहाँ पे? सिरमौर में। ये भी क्वेश्चन आता है, सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे है? सुकेती फॉसिल पार्क आपका कहाँ पे आता है? सिरमौर में आता है। ठीक है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी जो है वो सिरमौर में है, और अगर इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। एक क्वेश्चन मैंने किसी पेपर में देखा, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल? देयर आर 5 नेशनल पार्क्स, राइट। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 दिए हैं तो आपको 4 पे टिक लगाना, 1, 2, 3 पे मत लगाना, 4, क्योंकि ऑप्शन 4 से हमें पता है 5, पर अगर ऑप्शन में 1, 2, 3 देन ऑप्शन गोज फॉर 4। ठीक है, नाहन नहीं। ठीक है, आपका नाहन को बनाने वाले कौन थे? करम प्रकाश। नाहन को बनाने वाले कौन थे? करम प्रकाश। किसकी गाइडेंस पे बनाया था इन्होंने? बनवारी दास की। बीडी लिख रही हूँ, बनवारी दास इनके जो गुरु थे उनके कहने पे इन्होंने नाहन फोर्ट और नाहन कैपिटल बनाई थी। ठीक है, उसके बाद अब आता है ददाहू त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर इज फेमस फॉर 84 घंटों वाली देवी। किसने बनाया है? दीप प्रकाश। ठीक है, रेणुका जी। अभी हाल ही में रेणुका जी फेस्टिवल गया है दिवाली के बाद, और रेणुका जी में रेणुका झील है जो कि हिमाचल की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। हाल ही में अभी रेणुका फेस्टिवल भी गया है, लवी फेस्टिवल भी गया है। तो रेणुका किसकी वाइफ थी? जमादग्नी की। और किसकी कह सकते हैं आप किसकी मदर थी? परशुराम। ठीक है, परशुराम कहाँ से रिलेटेड है? नरमंड से रिलेटेड है। तो ये नहीं, आंसर इज ददाहू। अब यहाँ पे ददाहू किसके लिए फेमस है? देखा जाए तो ददाहू जो जलाल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जलाल निकलती है धरती रेंज से और ददाहू में जाकर यमुना से मिलती है। सिरमौर की नदी भी कौन सी है? यमुना, जिसका रिलेशन सन के साथ है, और कालिंदी जो है इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यमुना की जो जलाल ट्रिब्यूटरी है वो धरती रेंज से निकलती है और जाकर ददाहू में जाकर गिरी आपकी यमुना से मिलती है। तो ददाहू सिरमौर फोक म्यूजियम भी कहाँ पे है? ददाहू में। घंटा पर्वत इज लोकेटेड नियर, घंटा पर्वत कहाँ पे है? ज्वाला जी। ज्वाला जी जो है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ आपका, ज्वाला जी, ज्वाला जी इज द शक्तिपीठ जहाँ पे ज्वाला माता का मतलब जहाँ पे सती माँ की जीवा गिरी थी। और ज्वाला जी इज फेमस फॉर नेचुरल गैस ऑल्सो। ठीक है, तत्ता पानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, कहाँ पे है? मंडी में है, राइट। रिवालसर, रिवालसर इज फेमस फॉर लोटस पद्मक है या रिवालसर झील है जो कि लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीड्स है, मतलब आपके 7 फ्लोटिंग रीड्स आते हैं इसमें। ठीक है, 7 फ्लोटिंग रीड्स। और उसके बाद इसको लोटस पद्मकैन भी कहते हैं, पद्म संभव से रिलेटेड है, पद्म संभव लोमाश ऋषि भी हैं। यहाँ पे कहा जाता है बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू दोनों यहाँ पे पूजा करते हैं। और मेन खास बात क्या है कि यहाँ पे 3 हिंदू, 3 बुद्धिस्ट और 1 गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा इज डेडिकेटेड टू गुरु गोविंद सिंह। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि लोमाश ऋषि भी यहाँ से रिलेटेड है, छिछू फेयर जो है यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो आंसर इज आपके पास ऑप्शन क्या बची? तांडी। ना तांडी किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली चीज़ चंद्र और भागा कहाँ पे मिलती हैं? तांडी में मिलती हैं। दूसरी चीज़ ऋषि वशिष्ठ को कहाँ दबाया गया था? ऋषि वशिष्ठ जो थे उनको कहाँ पे बरिड किया गया था? आपके तांडी में। द्रौपदी का क्रिमेशन, द्रौपदी कौन थी? पांडवों की वाइफ थी। तो द्रौपदी का क्रीमेशन भी कहाँ किया गया है? तांडी में। तो तांडी और घंटा पर्वत भी कहाँ पे है? तांडी में। तो 3 चीजें आपको तांडी की याद रखनी होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सोमभद्रा फ्लोस थ्रू हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की किस नदी को सोमभद्रा कहा जाता है? ब्यास, सतलुज, चिनाब या स्वान? ब्यास, विपाशा, अरिजकिया, ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, तो अगर हम ब्यास की और बात कर लें तो आपको पता है कि ब्यास, रुको एक सेकेंड, ब्यास
ब्यास। तो ब्यास जो है ये कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। अब ये जो ब्यास कुंड है ये क्या है आपका? ब्यास कुल्लू से निकलती है, कुल्लू से ये मंडी, मंडी से कांगड़ा और हमीरपुर। मंडी में एंटर कहाँ से करती है? बजोरा से। देन कांगड़ा में एंटर करती है संधोल से। तो ये कैंसिल। सतलुज एकमात्र हिमाचल की सबसे लंबी नदी, जो कि निकलती हिमाचल से नहीं है, कहाँ से निकलती है? ये राक्कस ताल से, किन्नौर से, शिपकिला से होते हुए ये किन्नौर में एंटर करती है। शिमला में चौड़ा से एंटर करती है। देन आपका मंडी में फिरनू से एंटर करती है, राइट। और अगर बिलासपुर में कसोल और नीला, ठीक है। तो अगर देखा जाए सबसे एकमात्र लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इस पे बनी है, सतलुज पे। तो ये नहीं है, ब्यास और सतलुज का मर्जर कहाँ पे होता है? हरिकापट्टन। देन चिनाब, अस्सिकिनी, चंद्रा और भागा, ठीक है। भुजेंड पांगी में, संसारी नाला से चंबा को छोड़ के पोडर वैली में एंटर करती है, जम्मू एंड कश्मीर के। आंसर इज सवान। स्वान जो है ये ऊना की नदी है और ऊना को सौरव, सौरव ऊना भी कहा जाता है। ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवां। किसने बनाया था? पूरब चंद ने बनाया था। और क्या कैपिटल रखी थी? राजपुरा, ठीक है। तो ये 27 राजाओं ने ऊना पे जो है रूल किया है। तो यहाँ तक ये आंसर। नेक्स्ट आता है, द फेमस गौरी कुंड इज लोकेटेड एट। गौरी कुंड कहाँ पे है? कुल्लू, चंबा, मंडी या सिरमौर। तो कुल्लू, कुल्लू में भृगतेंगू लेक, ठीक है, मंतलाई झील जहाँ पे पार्वती नदी निकलती है, और शमशी में जाकर ब्यास से मिलती है, ठीक है। कुल्लू में और भी हैं आपकी, दशोहर है, दशोहर लेक कहा जाता है कि जिसमें नहाने से सारी बीमारियां हट जाती हैं। सुरयालसर लेक, ऐसी लेक जहाँ पे आभा पक्षी जो है उसको क्लीन करती है, बूढ़ी नागिन का टेम्पल है। तो ये नहीं है आपका। मंडी आपकी रिवालसर मंडी में है, पराशर झील मंडी में, कामरू नाग आपकी, कुमारवा झील जो है मंडी में है। सिरमौर में रेणुका झील, जो कि हिमाचल की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और यहाँ से फ्रेश वाटर प्रोजेक्ट भी है रेणुका पे। तो आंसर इस गौरी कुंड कहाँ पे है? चंबा में। मणिमहेश को जब जाते हैं तब आता है गौरी कुंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड गुलमर्ग ऑफ हिमाचल बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस जगह को गुलमर्ग कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने, मनाली, मनाली नहीं, मनाली के लिए मैंने अभी बताया मनु टेम्पल है, हिडिम्बा मेन डाइटी है, कहाँ पे है ये? कुल्लू में, ठीक है। कोटगढ़, कोटगढ़ किसके लिए फेमस है? सेब के बगान, सेब के बगान किसने लगाए थे? सैमुअल इवान स्टॉक्स, यानी सत्यानंद स्टॉक्स ने 1917 में यहाँ पे लगाए थे। सबसे पहले सेब के बगान 1887 में मशोबरा में लगे गए थे, मशोबरा, ठीक है। और कोटगढ़ इज फेमस फॉर सत्यानंद स्टॉक, इसलिए फेमस है। ढलौजी या खजियार, तो जो आपका, अब आपके पास ऑप्शन है, खजियार को मिनी स्विस भी बोलते हैं, ठीक है। पी ब्लेजर ने कहा था इसको मिनी स्विस 7 जुलाई 1992 को। तो ये नहीं है, आंसर इज ढलौजी। आंसर क्या है आपका? गुलमर्ग ऑफ हिमाचल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा था? ढलौजी को कहा था, खजियार को नहीं कहा था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खजियार इज द मिनी स्विस, पर खजियार को नहीं कहा गया था, ढलौजी को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, असा द संदुकाड़ू इज द फोकलोर बेस्ड प्रोग्राम स्टार्टेड बाय असा द संदकरू, लोक कथाओं पर आधारित कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया था? ये 2016 में शुरू किया था, ठीक है। तो AIR, एयर ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर, ऑल इंडिया रेडियो शिमला, ऑल इंडिया रेडियो धर्मशाला या ऑल इंडिया रेडियो सिरमौर। तो ये जो फोकलोर था जिसमें कहानियों को प्रचलित किया गया था उस जगह की, वो कौन था आपका? ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर, ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर। इसका ऑप्शन क्या है? ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर। खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? खुशवंत सिंह कहते हैं, खुशवंत सिंह इज फेमस फॉर जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान, ऐसी ऐसी उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं। तो एक बार खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल 2016 में कहाँ पे हेल्ड किया था? कसौली, शिमला, अंद्रेटा या हमीरपुर? देखिए हमीरपुर में एक और चीज़ है, पक्का बारों में आपका HPSSC यानी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो कि 1998 में बना था, KC मल्होत्रा वॉज द फर्स्ट चेयरमैन, अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी, शिमला में नहीं, ठीक है IIAS कर दीजिए, देन शिमला में आपका पीटर हॉफ है, बानिस कोट है, कुछ भी कर सकते हो। कसौली, कसौली में सनावर स्कूल भी है, लॉर्ड लॉरेंस ने 1864 में बनाया था, एंटी रेबिस के लिए भी ये फेमस है, और यहाँ पे लगा था आपके कसौली में लगा था फिफ्थ फेस्टिवल। तो ये खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल जो था ये कहाँ पे लगा था? कसौली में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, बीजीज पार्क डिवोटेड टू ऑल मदर्स इज लोकेटेड एट? बीजीज पार्क जो कि सारी मदर्स को डेडिकेटेड है, ये कहाँ पे है हिमाचल के? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पालमपुर, हमीरपुर, डलहौजी या सोलन। सोलन में शूलिनी टेम्पल, ठीक है, YS परमार, माउंट केरोल यहाँ पे है, हाईएस्ट टेम्पल इज जटोली, हमीरपुर द्योत्सिद बाबा बालकनाथ, पालमपुर में आपका जो है CSIR यूनिवर्सिटी यानी आपकी चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी 1978 में बनी थी, और आपकी ये वाली यूनिवर्सिटी शोलनी में जो यूनिवर्सिटी थी ये 1985 में बनी थी, ठीक है। तो आंसर इज डलहौजी। अब ये कहाँ पे है? जब आप डलहौजी में दैन कुंड जगह है इस तरफ को जाते हैं, या जब DPS डलहौजी आता है उसके बीच में एक जगह है जहाँ पे टैंक्स रखे हैं, ब्यूटीफुल प्लेस है, इस फॉर पिक्टोग्राफी मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स खींची जाती हैं, इज डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है? बीजीज पार्क। तो ये कहाँ पे है? डलहौजी, जब हम दैनकुंड और DPS डलहौजी के बीच की जगह है, इट्स अ ब्यूटीफुल टैंक एरिया जहाँ पे ये सारी जगह मदर्स को डेडिकेटेड की है। तो ये था मेरा आज का सेशन, अगर तो आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पूजा गुप्ता चैनल को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है उसको कीजिए, बहुत जल्दी मैं आपके साथ PDFs भी ला रही हूँ इन्हीं सेशंस के, तो वो भी आपको, बट सेशंस में आपको अगर आप रेडी है इस चीज़ के लिए कि आपको PDFs दिए जाए, बट आप वीडियोस से अगर आंसर्स देख लेते हैं तो मैं आपको ऑन द स्पॉट PDF शेयर कर दूंगी, बट द फैक्ट अगर सेशंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक कीजिए शेयर कीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है फिर से कि आपको सेशन अच्छा लगे, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैम ये चीज़ आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने फिर से सेटअप पे लिया है, नए सेटअप पे लिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि पहली अगर दिक्कत आ रही है तो माफ़ी चाहूँगी, अगर सेशन अच्छा लगा है और आपको एक नया रिकवर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशंस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड जितना शेयर करोगे जितना लाइक करोगे जितना चैनल को रिकमेंड करोगे तो बहुत जल्दी आप ही के सपोर्ट पे मैं लाइव सेशंस, ये सिर्फ लाइव की तैयारी है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास, टाइम बहुत कम है हमारे लिए लाइव सेशंस का, क्योंकि पिछले 15 दिन में जो सेशंस मेरे ख़त्म हुए हैं, अगर वो ख़त्म मतलब अगर वो चलते रहते तो हम रिकवर कर चुके होते, अगर आपने शेयर किया आप लाइक करोगे जितना शेयर करोगे तो जितना आप देखोगे जितना शेयर करोगे तो शायद शायद नहीं पक्का भी कह सकती हूँ कि आप मुझे बहुत जल्दी लाइव देखोगे, ये उसी की तैयारी है, ठीक है। तो अब मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है, अब आपकी वजह आपका सपोर्ट है कि आप कितनी जल्दी मुझे लाइव में लेते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, सिर्फ थोड़ा टाइम है, लेकिन अगर आपने इसको जितना शेयर किया जितना इस चैनल को रिकमेंड किया तो विद इन 1 वीक विद इन 2 वीक्स दैट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर व्यूअर्स और योर शेयरिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड गुड इवनिंग गुड नाइट। पहली चीज़ है सेशंस को आपको थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा अजीब लग रहा है, पर टाइम टेबल में अभी मैंने सिर्फ 2 क्लासेस ली हैं, शुरुआत की है तो 2 क्लासेस के साथ, एक है आपकी JOIT की क्लास जिसमें आपके कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है, तो उन सेशंस को मिस मत करिए।
आने वाले टाइम पे क्या क्या चेंजेस की जा रही है वो भी मैं आपको साथ में एक दिन बता दूंगी, एक दिन स्पेशल सेशन में। लेकिन और दूसरा, और जो आपके करंट अफेयर्स हैं तो वो भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा करंट अफेयर्स को भी रिज्यूम कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। देखिए ये सेशन आपका 7 बजे ही जाएगा, 7 PM। ठीक है, एक सेशन आपका 4 PM है, राइट एक सेशन आपका 4 PM है, जो कि आपकी JOEIT की क्लास है। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन MCQs प्रैक्टिस, डिटेल्स नहीं है क्योंकि टाइम नहीं बचा। और JOIT का MCQ बेस्ड है जिसमें पेपर्स को भी डील किया जा रहा है, तो इन सेशंस को मिस मत करना और जितना हो सकता है लाइक शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी, बाय बाय, गुड नाइट।